बच्चे की डिलीवरी के बाद महिलाओं के शरीर में सबसे ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है और कमियाँ आ जाती हैं आज मैं आपके लिए एक ऐसी ताकतवर रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खा के आपको मज़ा भी आएगा और आपको और आपके शरीर को भरपूर ताकत भी मिलेगी तो बिल्कुल भी मिस ना करें इस वीडियो को पूरा देखें हेल्दी और मज़ेदार सी ये रेसिपी बनाने के लिए हमें लेनी है ड्राई फ्रूट्स जैसे कि मैंने यहाँ पे लिए हैं बादाम काजू किशमिश और मखाने लिए हैं और साथ ही में मैंने यहाँ पे बीज लिए हैं खरबूजे के अगर आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है वो आप स्किप कर सकते हैं और जो पसंद है आप और ऐड कर सकते हैं आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं इसी के साथ मैंने यहाँ पे ली है गोंद गोंद के बहुत ही चमत्कारी फ़ायदे होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी तो गोंद मानिए किसी चमत्कार से कम नहीं है मतलब कंज्यूम करनी ही चाहिए आपको किसी न किसी रूप में तो हम इस रेसिपी में जो है गोंद का इस्तेमाल करेंगे इससे स्वाद भी बढ़ जाता है और ये जो एडिबल गम होती है कुछ इस तरीके की होती है बिल्कुल क्रिस्टल जैसी होती है अगर आपकी बहुत साइज़ में बड़ी गोंद है तो आप उसे हल्का सा क्रश करके छोटा कर सकते हैं तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले गोंद को हम फ्राई कर लेते हैं यानी कि थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं तो आपको घी का इस्तेमाल करना है कंप्लीट रेसिपी में आप थोड़ा ज़्यादा या कम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं सी सेक्शन वाले अगर घी नहीं ज़्यादा खाते हैं तो आप घी का इस्तेमाल कम करें नॉर्मल डिलीवरी वाले ज़्यादा भी डाल सकते हैं इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं आप अच्छे से गोंद को हमें फ्राई करना होगा इस तरीके से ये देखिए तो इससे क्या होता है गोंद जो है फूल जाती है बिल्कुल पॉपकॉर्न जैसे खिल जाती है ये देखिए जैसे जैसे आप चलाते रहेंगे और लगातार चलाते रहें गोंद को ताकि ये हर तरफ से अच्छे से क्रंची हो जाए बिल्कुल अच्छे से फूल जाए कच्चापन ना रहे तो आप इसे लगातार चलाते रहें ये देखिए हमारी गोंद जो अच्छे से फ्राई हो गई है और लगातार चलाएंगे तो ये ज़्यादा जलेगी नहीं और एक जैसी ही फ्राई होगी हर तरफ से गोंद हमारी तैयार हो गई अब हम इसी पैन में ड्राई फ्रूट्स को भी रोस्ट कर लेते हैं तो वापस से थोड़ा सा घी हम और डाल देते हैं और फिर हम इसमें अपने पसंद के सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं और अच्छे से इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं मखाने हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं मखाने का इस्तेमाल आप ज़रूर करें काजू बादाम सबको पसंद होते हैं किशमिश अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं लेकिन किशमिश का टेस्ट भी अच्छा आता है इसमें फिर आपको थोड़ा सा डाल देना है यहाँ पे खसखस खसखस -खस के मानिए बहुत सारे चमत्कारी फायदे होते हैं खसखस में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है मैग्नीशियम होता है जो हमारी हड्डियों को ताकत देता है हमें अंदर से जो है तंदुरुस्त बनाता है और बहुत ही फायदा भी पहुँचाता है तो खसखस में जो है बहुत सारा फाइबर भी होता है जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रहता है तो बस आप एक छोटा चम्मच खसखस जरूर डालें जब भी आप ये रेसिपी तैयार करें और डेली कंज्यूम करें इस तरीके से तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है तो ये देखिए हमने अच्छे से जो है सारी चीज़ों को फ्राई कर लिया इन्हें हम साइड रखते हैं अब बढ़ते हैं बेस की तरफ जो कि है साबुदाना का मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ का साबुदाना लिया है जो कि जल्दी बन जाता है अगर आपके पास बड़े साइज वाला साबुदाना है तो आप वो भी ले सकते हैं लेकिन वो थोड़ा समय लेगा और ये जल्दी बन जाएगा और हमें भिगाना भी नहीं पड़ेगा तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से कच्चा है और मैं कच्चा ही इस्तेमाल करूँगी ये देखिए तो ये छोटा वाला साबुदाना आप खरीद लें और इसका ही बनाएं तो उससे आपकी जो रेसिपी है ना वो जल्दी बन जाती है ज्यादा समय नहीं लगता है मतलब जब आपका मन करे आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि साबुदाना भिगाएंगे फिर बनाएंगे आप झटपट तैयार कर लें तो बस कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया और इसमें ये साबुदाना डाल देते हैं तो सारा ये जो कच्चा साबुदाना है हाफ कप मैंने लिया है इसे हम डालेंगे और थोड़ा सा भून लेते हैं आप चाहें तो भीगा हुआ साबूदाना अगर आप बना रहे हैं तो भूनने की ज़रूरत नहीं है आप डायरेक्टली साबूदानों को थोड़ा पानी डाल के बना लें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें नहीं तो क्या होता है ना साबुदानों में पानी कम करना मुश्किल हो जाता है तो आप हल्का सा इसे ऐसे, ऐसे भून लें अगर आपके पास एक कच्चा साबूदाना है छोटा वाला और फिर इसमें हम पानी डाल देते हैं दो मिनट के लिए मैंने भूना हल्की आँच पर इसके बाद इसमें पानी डाल देते हैं ढाई कप हम पानी का इस्तेमाल करेंगे ज़रूरत से ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे यहाँ पे मैंने ये देखिए पानी डाल दिया अब हम साबूदाना को जो है अच्छे से पकने देते हैं जब तक कि यह सॉफ़्ट नहीं हो जाता साबुदाना खा के भी हमारे शरीर को ताकत भी मिलती है प्लस ज़्यादा हमारा कोई वेट भी नहीं बढ़ता है तो साबूदाना को हम अच्छे से कवर कर देते हैं और अच्छे से पकने देते हैं मतलब आठ दस मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें बीच में आप चेक कर सकते हैं अगर आपको पानी की ज़रूरत लग रही है तो थोड़ा सा ही डालें ज़्यादा आपको पानी नहीं डालना है इसमें ये देखिए हमारा साबुदाना जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गया हार्डली मुझे आठ से दस मिनट लगे हैं इसे पकाने में हल्की आँच पर ये देखिए पानी भी सूख गया है और ज़्यादा पानी हमें इसमें चाहिए भी नहीं तो पानी आप ज़रूरत से ज़्यादा नहीं डालें इस रेसिपी में साबुदाना जब सॉफ़्ट हो जाएगा उसके बाद ही आपको इसमें गुड़ डालना है यानी कि मीठा डालना है गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है नहीं तो आप चीनी भी डाल सकते हैं गुड़ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा रहता है हमारा हाजमा भी करता है गुड़ पेट के लिए बहुत अच्छा होता है तो अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं ऐसी अवस्था में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तो बस गुड़ से मैंने इसे मीठा कर लिया और चीनी के कंपैरिजन में जो गुड़ है वो थोड़ा हेल्दी भी होता है तो फिर हम इसमें ये इस सारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद डाल देते हैं जो हमने भून के रखी हुई थी ना ये आपको बाद में डालनी है तो लास्ट में आपको डालना है और बस गैस को जो है बंद कर देना है आप चाहें तो इसमें ना एक कप दूध भी डाल सकते हैं अगर आपको वैसे पसंद है तो लेकिन ये ऐसे खाने में ना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको मज़ा आ जाएगा खा के ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा आप इसे स्नैक बोलिए आप इसे ब्रेकफास्ट बोलिए या शाम को जब आपको भूख लगे तब आप इसे खाएँ सुबह बना लें और आप इसे दो टाइम खा सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आप खाएँगे तो आप इन्हें आखिरी के महीनों में खाएँ आठ से नौ महीने में खाएँ जब आठ से नवा महीना चल रहा होता है या फिर आफ्टर प्रेगनेंसी अगर आप आते हैं तो ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा आपके शरीर में जान लाएगा दूध भी ज़्यादा बनेगा इसे खा के और आपका पेट भरा रहेगा और टेस्ट इसका इतना अच्छा है कि आपको मज़ा आ जाएगा इसे खा के तो है ना एकदम कमाल की और यूज़फुल रेसिपी अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको आज की ये हेल्दी और यमी सी रेसिपी कैसी लगी और इसे कोई भी खा सकता है आप इसे बच्चों को भी या बूढ़ों को भी दे सकते हैं फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। वीडियोस पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं, तो प्लीज वीडियोस को लाइक शेयर जरूर किया करें। और आपके सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ अभी के लिए बाय